चार प्लाट हैं जिसमें से इसने ये 10 मरले का प्लाट जो है, पहले इसने कहा ये बटे में है, अब बटे से खत्म होने के बाद अब वो कह रहा है कि जी ये हमारा प्लाट है। उधर असला दे के बंदे छोड़े हुए, एक आता एक जाता, एक आता एक जाता, हम उधर बैठे होते कैसे, हम कहाँ पे घर जाए। सानू धमकी ला के गया, कहना मैं तानू मार छड़ांगा। आज की उसने जो हमें धमकी दी है, पहले तो एक प्लाट था, मैं दूसरा भी ले लूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़िरोज़वाला DSP ऑफिस के बाहर मौजूद हूं, जहां पर एक फैमिली जो है बासर अफराद के खिलाफ जो है यहां पर एहतजाज कर रहे हैं, और इनका मुतालबा ये है कि कुछ बासर लोग हैं जिन्होंने इनके घर पर कब्ज़ा जमा लिया हुआ है। हालांकि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर माजी के अंदर क्रैकडाउन हुए हैं, लेकिन फिर से दोबारा जो है वो कब्ज़ा माफिया जो है वो दोबारा फिर सरगर्म हो चुका हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर, ये माएँ बहनें जो हैं ये गर्मी में यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। वो माफिया कौन है, कौन लोग हैं, वो सारी कहानी इस भाई की ज़ुबानी जानते हैं जो कि यहाँ पर अपने मासूम बच्चों को लेकर गर्मी में यहाँ पर खड़े हैं, और DSP ऑफिस जो फ़िरोज़वाला है उसके बाहर जो है ये एहतजाज कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कब से इनके घर पर जो है कब्ज़ा माफिया की तरफ से जो है कब्ज़ा जमाया गया है, और वो कौन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके घर पर कब्ज़ा कर लिया, और आज आप अपनी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया है, आपका घर छीन लिया है, आप यहाँ पर रोडों पर हैं, ये कौन लोग हैं। जी ये मुजम्मल शाह उधर के रिहायशी हैं, वहाँ पे तो रिहायशी, ये भोले भाले वाले पठान कॉलोनी के, तो ये सारे हमारी यहाँ पे 30-40 साल से हमारी रिहायश है यहाँ पे, तो इसने ये किया अपने घर अपना हमारा। कितने मरले ये? चार प्लाट हैं, हम छः भाई हैं, चार प्लाट हैं से रह रहे हैं, हम 37 साल से यहाँ पे रह रहे हैं रिहायश पदीर में, तो चार प्लाट हैं जिसमें से इसने ये 10 मरले का प्लाट जो है, पहले इसने कहा ये बटे में है, अब बटे से ख़त्म होने के बाद अब वो कह रहा है कि जी ये हमारा प्लाट है। बटे का काम कर, बटे का रोला डाला हुआ है कि भाई बटे में है ये 10 बटे तो का बटा उसको। हाँ जी। अच्छा। तो वो कह रहा है जी बटे में किला मुरबा सर एक है, तो इसमें ये कह रहा है कि भाई ये मेरी है, पहले तक तो ये था, और आज की उसने जो हमें धमकी दी है इस अदालत में आके उसने मुझे दी है धमकी कि जी पहले तो एक प्लाट था, मैं दूसरा भी ले लूँगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपकी सारी छत छीन लूँगा, तो हमारा इसमें क्या कसूर है, ये छोटे बच्चे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, हम कहाँ पे लेके जाएंगे। अब देखिए कि हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, जो चार दुआरी की रही है वो आते जाते ये चार दुआरी के अंदर आके रात को कह रहा कि यहाँ पे मंजी मैं रखता हूँ, अब बीवियों के सामने मंजी चार पाई डाल के बैठने की कोशिश कर रहा है कि जी रात को असला लेके वहाँ। जब भी औरतें बैठी होती हैं आते हैं शरारत कर जाता, गालियाँ निकाल जाता, जब भी बैठे होते हैं मेरी जवान बेटी मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ, जब दीवारें तो और गंदी गंदी बच्चियों को गालियाँ देता है। मुजम्मल मुजम्मल, हाँ जी, आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज, सब कुछ तो पुलिस वाले क्या नहीं सुनते, वो सबकी जबान बंद, पैसे दे हम क्या उनसे बात करें, वो जिधर से उसे रिश्वत मिलती है वो उधर की बात करते हैं, पुलिस वाले उधर हमारी बात नहीं सुनते, हमारी छोटी बच्ची हम कैसे करें, रो क्यों रही हुआ तो कैसे ना रो, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पर्दा के नाज करते हैं, हम गरीब आदमी हैं, कब मजदूर करते हैं सारे, हम कहां से लेके गए, क्यों ना रोए, हम कहाँ जाए, हम ऊपर छत भी नहीं है, हमारी चार दीवारी भी तोड़ दी, हम पर्दे लगाते हैं, इंसाफ दिलाते हैं ना, वकील बनते हैं इंसाफ दिलाने के लिए, ये कैसा वकील है जो हमारे पे तशद्दुद कर रहा है, वकील है, हाँ जी वो मजम्मल फायदा उठा रहा है ना, वकील है उसके तो 100 बंदों का साथ देने वाला, हमारा साथ कौन देगा, हमारे हम तो गरीब बंदे, हमारा तो कोई नहीं ना है, हमारे साथ हम मोहल्लेदार अगर कर रहे हैं कि ये हम मोहल्ले मोहल्ले की बिना पे ना कोई झूठ है ना कुछ कुछ भी, वो अपने तौर पे वो बता रहे हैं कि जी ये यहाँ पे इतनी देर से रह रहे हैं, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि भी नहीं, वो मोहल्ले वाले अपने DPO ऑफिस जाके एप्लीकेशन देनी थी, उनको बताना था कि हमारे घर पे कब्जा जमा, वो हाँ पे घर से निकलने के लिए छोड़े, वो सुबह शाम वहाँ पे असला लेके घूम रहे, हम पर्चा दे रहे हैं, हम गरीब आदमी, हम कैसे हम बाहर कैसे जाए, क्या कह रही है, उधर असला दे के बंदे छोड़े हुए, एक आता एक जाता, एक आता एक जाता, हम उधर बैठे होते कैसे, हम कहाँ पे घर जाए, किस कहाँ पे जाके हम उनका दरवाजा किसका खटका, बुढ़िया तो कॉल ले आके तो इतने डाक असी बहने तुम इतने बैठे, मेरा प्लाट है मम्मी इतने तेरे कोल बहना वा, सानू धमकी ला के गया, कहना मैं तुम्हें मार छड़ांगा, ले आ तेरे बदमाश जेड़े बंदे ने, मैनू कहना लैके आ बदमाश जेड़े है नहीं लैके आ, कितनी देर तो कब्जा जमाया, 6 महीने तो लगा, 6 महीने से तुम क्या, ये अकेडमी जाती है उसकी अकेडमी पढ़ती है, उसे कहते हैं मैंने अगवा कर लेना, मैं अगवा कर लूंगा, तुम मेरे पास पढ़ती हो, बम उड़ा के तुम्हें उड़ा दूंगा, और कहते हैं तुम्हें अगवा कर,
बच्चियों को कहता है। ये आज आप गए हैं, क्या फैसला हुआ जज साहिबान ने? क्या फैसला? कुछ नहीं, अभी तारीख डली है। तो दूसरा ये है कि वो हमारा केसेस चल रहे हैं कि अदालत में स्टे हमारे चल रहे हैं और दावे वगैरह स्टे चल रहे हैं, वो उसकी अभी तारीख पड़ रही है। तो उसके उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और आप देख सकते हैं जिस पे ये प्ले कार्ड हैं और उस पे ये तहरीर लिखी हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमें इंसाफ दिलाएं, और ये कब्ज़ा माफिया, और ये मरियम नवाज़ से अपील की जा रही है, DSP जो फिरोज वाला है उनसे अपील की जा रही है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो अब क्या मुतालबा है मेरी बहन आपका? हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें इंसाफ, हमारी बच्चियों के लिए इंसाफ दें। हमारी बच्चियों की क्या सेफ्टी है? नंगे सर वो बाजार में बैठी थी, ऊपर से आ जाता है मेरी बच्ची का, उसने बच्चा मार दिया, कत्ल का केस है, उसका क्या बनेगा? वो तो ससुराल वालों से भी बच्चा मार दिया, वो कैसे? पेट में बच्चा था उसके, 8वां महीने था, उसने धिक्का दे के उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसी टाइम उसका बच्चा मर गया, उसी टाइम हम लोग लेके गए हॉस्पिटल, उन्होंने कहा बच्चा मर गया। आपने एप्लीकेशन क्या सेफ्टी है? आपने FIR भी नहीं किया? सब कुछ किया, कुछ नहीं बन, पुलिस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही पुलिस, कुछ पुलिस को पैसे तो नहीं, रिश्वत तो नहीं लगी? सर रिश्वत है सर, उनको रिश्वत लगी है तो वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो उनको दे दें, हम सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को सिर्फ दे सकते, बच्चों का पता नहीं कैसे पेट पा रहे हैं। 500-700 रुपया दिहाड़ी लेने वाला, उसमें आप बता दें कि क्या करेगा वो, घर का खर्चा चल रहा है। हिसाब से मांगते हैं हम, लाखों कहाँ से लाएं, हम बच्चों का पेट पालेंगे, इनको लाखों दें हम रोज। ये हालात हैं जी नाज़रीन, इस वक्त शदीद गर्मी और हब्स में ये लोग यहाँ पर जो है कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो बासर लोग हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और इनका मुतालबा यही है कि इनका जो घर है उसको जो है बाज़याब करवा के दिया जाए, बाज़याब। और दूसरा यानी कि इनका ये कहना है कि वो बासर लोग जो हैं इस कदर इनको धमकियां दे रहे हैं और वहां पर असला लहराते हैं और इनके बच्चे जो हैं उनको कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस जो है कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन DPO जो DPO साहब हैं उनसे मुतालबा है कि ये लोग जो हैं पाकिस्तानी रहायशी हैं, पंजाब के रहायशी हैं, इनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हैं, लेकिन कब्ज़ा माफिया की जानब से जो है इनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके घर पर कब्ज़ा जमा लिया गया है। तो इनका यही मुतालबा है, वज़ीर-ए-आला पंजाब जो मरियम नवाज़ हैं उनसे इनका मुतालबा है कि इनको जो है तहफ़ फराम किया जाए और इनका जो घर जिस पर कब्ज़ा जमाया हुआ है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम बड्डी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SNN न्यूज़।